बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैयाज़ आलम है, मैं दुआ फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने दोस्त शकील ख़ान साहब के साथ और यहाँ के मकामी हमारे जो किसान हैं उनके साथ मौजूद हूँ। थरपारकर की तहसील डाहली के गोट बगल में, बगल एक दूर दराज गोट है और ये इंडियन बॉर्डर से मुतसिल है, उमरकोट से 2 घंटे के फासले पर वाक़ है ये। हम कराची से 6 घंटे का फासला तय करके गाड़ी पर यहाँ आए हैं और आज हम यहाँ लगा रहे हैं 2 अकसाम के फलों के पौधे। एक हमने लगाए हैं कैलिफोर्नियन आलमंड, ये बादाम हैं जो अमेरिका में कैलिफोर्निया में होते हैं और दुनिया के और मुल्कों में भी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है 45 to 48 डिग्री पे भी ये सर्वाइव करता है, फल देता है। ये हमने कलर कहार की एक नर्सरी से हासिल किए थे। और इसके अलावा हम यहाँ लगा रहे हैं सेब के पौधे, ये एना एप्पल के हमने पौधे यहाँ लगाए हैं। एना एप्पल जो है वो 45 to 48 डिग्री तक जो है 50 डिग्री तक भी बाद जगहों पर ये फल देता है और बहुत ही अच्छा फल इसका होता है। सेब इसका बड़ा जायका बड़ा अच्छा है और ये एक दरख्त काफ़ी फल देता है। तो इंशाल्लाह आज हमने पौधे लगाए हैं, उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे तजर्बात कामयाब रहें और अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे इन मंसूबों को। और ये सेब के और आलमंड के अगर पौधे यहाँ लग गए तो इंशाल्लाह हम आइंदा इनको मज़ीद ज़्यादा बड़े पैमाने पर लगाएंगे ताकि लोग इसको कमर्शियली भी ग्रो कर सकें। और हमारा इरादा यहाँ पर एक नर्सरी बनाने का भी है ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे जो है यहाँ से लोगों को तकसीम कर सकें और पौधों को हम मल्टीप्लाई करें और हम उसकी कटिंग के ज़रिए लगाएँ, बीज के ज़रिए लगाएँ, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़ियों के और फलों के पौधे और उनको हम बड़े पैमाने पर तकसीम कर सकें ताकि इस पूरे इलाके में फलों के दरख्त लगाने का एक कल्चर डेवलप हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 15-20 दिन पहले ड्रैगन फ्रूट के पौधे लाहौर से मंगवा के लगवाए थे उनमें शूट्स आना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि पौधे इस्टेब्लिश हो गए हैं और इंशाल्लाह उनमें हम नई ब्रांचेस देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया।